ओके, हम पहले क्या देखेंगे? सहजन की फली के पकौड़े। सामग्री बताएंगे हमें? हाँ, ये सहजन की फली है, ये उबाल ली और वो ऐसे खोलकर उसमें से बीज निकाल लिए, नमक डालकर उबाल लिया है। ये बेसन, ये चावल का आटा, गुड़, मसाला अपनी मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, हींग और गरम मसाला। ओके, सीधी सादी आसान रेसिपी मुझे लग रही है। सामग्री देख लिए, अब हम चलते हैं विधि की तरफ। विधि क्या है? पहले हम बेसन डालेंगे। थोड़ा सा चावल का आटा कुरकुरा होने के लिए। अच्छा अच्छा। हल्दी, हींग, मिर्च पाउडर, आपको जितनी चाहिए उसके अनुसार। गरम मसाला एकदम चुटकी भर। क्यों ऐसा? नहीं, ज्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। और नमक, सहजन की फली में पहले नमक डाला है उबालने के समय, और वो ध्यान में रखकर नमक डालना है। गुड़ सबसे आखिर में ना? गुड़ थोड़ा सा। पर ये हम गुड़ क्यों डालेंगे, शक्कर नहीं डाल सकते? सहजन की फली में थोड़ी अलग सी गंध होती है ना, स्ट्रॉन्ग, वो अच्छा। वो गंध मिटाने के लिए ये गुड़ डालना है। कांटे से कांटा निकाल रहे हो? हाँ। ओके, अब ये मिला लेना है और ये पकौड़े के घोल से थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाना है। मतलब वो फली में ऐसे ही लगा रहेगा, बाहर निकल के नहीं आएगा। हमारा बैटर तैयार हो चुका है, सिर्फ उसमें नयापन क्या है। गुड, करेक्ट। तो ये तैयार हो चुका है, अभी आगे क्या करेंगे मुझे बताइए। उसमें डुबानी है और तलनी है। ओके, उसमें डुबो के फिर तलना। हाँ, है ये शैलो फ्राई ही करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, क्योंकि कैलोरी कॉन्शियस लोगों को भी फिर ये मतलब जमेगी। ओके, और डीप फ्राई किया तो वो बहुत ज्यादा तेल सोख लेता है, इसलिए फिर शैलो फ्राई करना है। ऊपर ऊपर से करना है? हाँ, ऊपर ऊपर ही। ओके, मुझे एक उत्सुकता है कि सब चीजें अच्छे से चल रही है, तो ऐसा ऐसा कोई आपका व्यंजन है जो आपको अभी भी नहीं जमता? मेरी सासू माँ के हाथ की अरहर की दाल, तड़का दी हुई दाल, मेरे पति देव को बहुत पसंद है, रोज ही लगती है उन्हें। लेकिन मुझे वो अभी तक अच्छे से बनानी नहीं आई। नहीं आपको, लेकिन दिल से ऐसा लग रहा है नहीं आती, या पति देव का आरोप है आप पर? पति देव का आरोप है मुझ पर कि मुझे लेकिन आपके हिसाब से आपको करेक्ट आती है? मुझे लगता है कि आ गई है। और सासू माँ का क्या कहना है? उनका कुछ नहीं, उन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि मुझे जमती है। मतलब उन्हें भी, मेरे पतिदेव को भी लगता है कि वो मुझे अच्छे से नहीं। आपके पति से मुझे बात करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे? कभी ना कभी तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा ना? नहीं, अभी मैं उनसे एक्सेप्ट करवा लेती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। छोड़ना नहीं, हाँ छोड़ना नहीं, ध्यान रखिए। आखिर में है क्या, माँ के हाथ का वो माँ के हाथ का। हाँ, वो मंजूर है। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, वो ये है कि पकोड़े खाएंगे कैसे, क्योंकि ये जो फली के जो ऊपर के छिलके हैं वो फेंकने की चीज है, और उसे ही हमने आटा लगाया है, और वो अभी खाना है। मतलब वैसे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वैसे क्या क्या खाएंगे कैसे? आप जिस तरह दाल में डाली हुई फली खाते हैं ना, चूस के उसे पल्प खाते हैं उसका, तो उसी तरह ये भी खाना है। हाँ, लेकिन उस वक्त खाते समय अंदर कुछ होता है, ये सब आपने निकाल दिया है, तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा सा चकरा गया हूँ कि डॉक्टर साहब को बुला के रखना पड़ेगा मुझे। 9 साल से उसी कोशिश में लगी हूँ। लेकिन सासू माँ को अब तक अचरज नहीं होता है कि अब तक क्यों नहीं आ रही है बहू को दाल? उन्होंने काफी कोशिश की, तो शायद गलती मेरी होगी, या फिर मेरे पतिदेव को माँ के हाथों का बना ही खाना। हाँ, शायद ऐसे, मतलब कुछ तो उनका वहाँ पे एक प्लान होगा जरूर, कुछ भी हो जाए दाल तो मैं इससे, मतलब मुझे ही करनी है, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, सासू माँ मेरी बहुत अच्छी है, उन्होंने कुछ प्लान प्लान नहीं किया है। नहीं प्लान मतलब वैसे डायरेक्ट प्लान नहीं। आपने एक रसोई घर में कैसा है, महिला या गृहिणी जो होती हैं, उनके रसोई घर में किसी ने दखलअंदाजी की, फिर उनका जो हाल होता है ना, इसीलिए सासू माँ को ऐसा लग रहा होगा कि कम से कम दाल तो मुझे बनाने मिले। वाह वाह वाह, ये तैयार हो गई? हाँ, हो गई। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, कह दिया मैंने। आप सामग्री और विधि लिख लीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, सक्षम है ये हाउसवाइफ। लिख लीजिए बिंदास, सामग्री और विधि। सहजन की फली के पकौड़े बनाने के लिए लगने वाली सामग्री, नमक लगाकर उबली हुई सहजन की फली, बेसन, चावल का आटा, गुड़, मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक। विधि, पहले एक बाउल में बेसन, चावल का आटा, हल्दी, हींग, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, गुड़ और पानी डालकर बैटर को तैयार कर लें। तैयार बैटर में उबालकर बीज निकाली हुई सहजन की फली डुबाकर तेल में शैलो फ्राई कर लें।